गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज हम लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर 7, जो कि बिहार एसआई मेंस, बिहार एसएससी मेंस और बिहार ईएसआई के लिए चलाई जा रही है। और इस मॉडल टेस्ट पेपर 7 में हम 50 नहीं बल्कि 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो बिल्कुल आने वाले एग्जामिनेशन पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, इस धारण के प्रतिपादक कौन थे? तो इस धारण के प्रतिपादक थे क्लाडियस टॉलमी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्लाडियस टॉलमी। कॉपरनिकस, तो कॉपरनिकस पोलैंड के एक खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने ही पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना था। डी नंबर ऑप्शन है अरस्तु। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु भी थे। प्लेटो के यह शिष्य थे एवं सिकंदर के गुरु थे। इनका अवधारणा थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र थी और सूर्य, तारे और दूसरे पिंड इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। आगे देखेंगे सेकंड नंबर, सूर्य के वायुमंडल को क्या कहते हैं? तो सूर्य के वायुमंडल को हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर, चर्नियन, कैलिडोनियम, हर्सिनियम, अल्फाइन हलचले किससे संबंधित है? तो ये सब हलचले संबंधित हैं पर्वत निर्माण से। अब देखते हैं पर्वत निर्माण कैसे होती है। तो धरती के गर्भ में जब अत्यधिक तापमान के कारण चट्टाने पिघलती है और लावा ऊपर की ओर निकलती है, तो इससे ज्वालामुखी चट्टाने बनती है और इस तरह अनेकों ज्वालामुखी चट्टाने ठंडा होकर पर्वत चट्टान बन जाती है और पर्वत का निर्माण करती है। तो इस तरह से पर्वत का निर्माण होती है। आगे देखेंगे फोर्थ नंबर, क्वार्टजाइट किस सेल का उदाहरण है? तो क्वार्टजाइट रूपांतरित सेल का उदाहरण है। अवसादी सेल का उदाहरण क्या है? तो अवसादी का है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, ये सब अवसादी चट्टान की उदाहरण है। अवसादी चट्टान एक परतदार चट्टान होती है और इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुएं भी पाई जाती है। अवसादी चट्टान में वनस्पति एवं जीव जंतुएं भी पाई जाती है। खनिज तेल मुख्य रूप से अवसादी चट्टान में ही सही निकाली जाती है क्योंकि इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुएं पाई जाती है, तो खनिज तेल भी इसी से निकाली जाती है। बी नंबर है अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल कुछ है जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस, कोयला, ये सब अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। क्वार्टजाइट क्या है? बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप क्वार्टजाइट। आगे देखेंगे फाइव नंबर, ड्राई कांटर बेंटिफैक्ट उदाहरण है। तो ये उदाहरण है पवन अपरदन क्रिया या हवा अपरदन क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश मछलियां किस कटिबंधीय क्षेत्र से पकड़ी जाती है? तो मछलियां कहाँ मिलती है? यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक पाई जाती है क्योंकि समुद्र के जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जिस जगह पर आपस में आकर के मिलती है उस जगह पे मछलियां सबसे अधिक पाई जाती है। सेवन नंबर, विश्व में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का स्थान है, तो इसमें भारत का स्थान दूसरा है। सार्गासो सागर किस महासागर में है? तो सार्गासो सागर अटलांटिक महासागर में है। इस महासागर में सार्गासम नामक वनस्पति के कारण इसका नाम सार्गासो सागर पड़ा है, तो यह अटलांटिक महासागर में है। नाइन नंबर, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं चीन से मिलती है? तो टोटल 5 राज्य है जिसकी सीमाएं चीन से मिलती है। कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं चीन से लगती है। आगे देखेंगे 10 नंबर, चीड़ देवदार के वृक्ष, चीड़ एवं देवदार के वृक्ष भारत के किस वन प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यह आद्र मानसूनी वन प्रदेश में पाई जाती है। 11 नंबर, इनमें से भारत कौन सा फसल है, भारत का कौन सा फसल है जो खरीफ एवं रबी दोनों में बोई जाती है? तो दाल है जो खरीफ फसल में भी बोई जाती है और रबी में भी दोनों में बोई जाती है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, दाल। आगे देखेंगे, भारत में गोंडवाना युगीन कोयला के अतिरिक्त और किस युग का कोयला प्राप्त किया जाता है? तो भारत में गोंडवाना युगीन का तो कोयला पाया ही जाता है, इसके अतिरिक्त हम लोग हमारे यहाँ टर्शियरी युग की भी कोयला पाई जाती है। सी आंसर होगा टर्शियरी। 13 नंबर देखेंगे, भारतीय जल परिवहन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, देश में बड़े बंदरगाहों की संख्या 20 नहीं है, देश में बंदरगाहों की संख्या 13 है, जबकि छोटे छोटे बंदरगाहों की संख्या लगभग 200 है। छोटे छोटे बंदरगाहों की संख्या कितना है? 200। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है नहावा सेवा, जिसका कि अब नाम बदलकर कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे देखेंगे 14 नंबर, इनमें से कौन भारत में नगरीकरण के कारण से संबंधित रही है? तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा, सामाजिक वैमनस्य के कारण धार्मिक एवं जातीय पलायन। आगे देखेंगे 15 नंबर, सर्फ किसे कहते हैं? तो सर्फ ए होता है, डी नंबर, सागरीय तरंगों का शिखर जो टूटकर तट की ओर आता है उसे सर्फ कहा जाता है। 16 नंबर देखेंगे, सभ्यता की दृष्टि से सबसे पिछड़ी खानाबदोश जनजाति कौन सी है? तो सबसे पिछड़ी जनजाति है पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति मुख्यतः मध्य अफ्रीका के कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कांगो नदी घाटी, जो कि मध्य अफ्रीका में है। ए नंबर ऑप्शन, ब्रूसमैन जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के आसपास में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति, एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। इनका, इस जनजाति का मुख्य निवास स्थल है साइबेरिया। आगे देखेंगे 17 नंबर, किसके मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो यह 1973 के केशवानंद भारती मामले में इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। आगे देखेंगे 18 नंबर, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष बिताने होंगे? तो किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम सात वर्ष भारत में इनको बिताने होंगे। 19 नंबर देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कहा गया था 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जाएगी, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और इसे अनुच्छेद 21 के क्रम में रखा गया है।
आगे देखेंगे 20 नंबर। सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 43 का बी में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे 21 नंबर। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हमेशा संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। राष्ट्रपति किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। आगे देखेंगे 23 नंबर। संसदीय मामलों संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संसदीय मामलों से संबंधित समिति के अध्यक्ष हमेशा गृह मंत्री होते हैं। इसका ए नंबर सही ऑप्शन होगा, गृह मंत्री। 24 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, केवल वे ही वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है। तो बी नंबर सही होगा। इस तरह से इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। आगे देखेंगे 25 नंबर। संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संविधान अनुच्छेद कौन से है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है संपत्ति के अनिवार्य ग्रहण से? तो यह है अनुच्छेद 31 का क। डी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। 26 नंबर देखेंगे। जीबी राव समिति किससे संबंधित है? तो जीबी राव समिति संबंधित है कृषि क्षेत्र में सुधार जीबी राव समिति से संबंधित है। आगे देखेंगे 27 नंबर। पंचायतें का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो पंचायतें का उल्लेख संविधान के भाग 9 में पंचायतें का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इसे भाग 9 में एवं अनुच्छेद 243 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रबंध किया गया था। भाग 8 में संघ राज क्षेत्र का वर्णन है। आगे देखेंगे 28 नंबर। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो इसका अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 74 में क्या है? तो अनुच्छेद 74 में है कि मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 में कि एक मंत्रिमंडल होगी, ये अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 76 में है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति, अनुच्छेद 76 में है। आगे देखेंगे 29 नंबर। निम्नांकित में से कौन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यहाँ निवेश होगा लक्ष्यांकित देश में किसी कंपनी को खरीदना, बिल्कुल सही है। बी नंबर है उस देश के विद्यमान व्यवसाय के कार्यों का विस्तार, ये भी बिल्कुल सही है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसका ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी नंबर,
वन एंड टू दोनों। थर्टी नंबर, विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा नीचे दिए गए किन क्षेत्रों में मुख्यतः निधि पोषण किया जाता है? अवसंचरण, शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्चा, ये तीनों इसका सही आंसर होगा, ए नंबर। आगे देखेंगे 31 नंबर, जब दो या दो अधिक देश अपने मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयात अभ्यास तथा प्रशुल्क समाप्त करने के लिए समझौता करते हैं तो इस प्रकार के देशों के संगठन को कहा जाता है, तो इस प्रकार के देशों के संगठन को कहा जाता है मुक्त व्यापार क्षेत्र। जब दो देश आपस में प्रशुल्क समाप्त कर समझौता करते हैं तो इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। 32 नंबर, विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखेंगे 33 नंबर, कराधान के अधिनियमों यानी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का प्रवर्तक कौन है? तो इसका प्रवर्तक है एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पशु अंकित है? तो इसके प्रतीक चिन्ह में कौन सा पशु है? तो चित्ता इसके प्रतीक चिन्ह में अंकित है। आगे देखेंगे 35 नंबर, सीमांत लागत किसके बराबर होता है? तो सीमांत लागत मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन इसके बराबर होता है, इसका ऑप्शन नंबर वन सही है। 36 नंबर, भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था भारत में है। 37 नंबर, राष्ट्रीय आय में शामिल है, तो राष्ट्रीय आय में शामिल है नए मकान का निर्माण, बाकी ये तीनों राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया है, डी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। आगे देखेंगे वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स सबसे पहले लागू किया गया था, तो वैल्यू एडेड टैक्स सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। 39 नंबर, दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी, तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ नहीं हो इसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, इसके विपरीत है सॉफ्ट करेंसी जो कि ऐसी मुद्रा होती है जो आसानी से सुलभ हो इसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। 40 नंबर, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला पहला राज्य, ये भारत का पहला राज्य पूछ रहा है कि कौन सा भारत का पहला राज्य है जहाँ वैट सबसे पहले लागू हुआ था, तो ये है हरियाणा, हरियाणा में सबसे पहले लागू किया गया था, और देश पूछे तो फ्रांस। आगे देखेंगे 41 नंबर, निम्न युग्मों में से कौन सा एक बिहार तथा भारत में साक्षरता के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? भारत में साक्षरता दर 24.04% बिल्कुल सही है, बिहार में साक्षरता दर 63.82% बिल्कुल सही है, बिहार में पुरुष साक्षरता दर 20.39% ये गलत है, बिहार में पुरुष साक्षरता दर है 23.4%, ये इसका सही है 23.4%, तो इस तरह से सी नंबर सुमेलित नहीं है, सी इसका सही आंसर होगा, बिहार में महिला साक्षरता दर 53.33%, ये बिल्कुल सही है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषता है? तो नदी बेसिन
नदी बेसिन योजना एवं प्रबंध की इकाई है, ये बिल्कुल सही है। और सेकंड ऑप्शन, यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है, ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन नीचे वाले ऑप्शन से चुनना है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, केवल एक और दो, यानी कि एक और दो सही है, तीसरा गलत है। आगे देखेंगे 43 नंबर, राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। इसकी स्थापना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका स्थापना हुआ था 1951 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एनएसएस अगला ऑप्शन है, एनएसएसओ, तो एनएसएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एनएसएस को स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में और यह भारत का सबसे बड़ा संगठन है जो नियमित रूप से देश का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है। क्या है? एनएसएसओ भारत का सबसे बड़ा संगठन है। आगे देखेंगे 44 नंबर, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ 1948 में किया गया। 45 नंबर, भारत में रोलिंग प्लान आरंभ किया गया, मतलब कौन से सरकार उस टाइम थी जब रोलिंग प्लान शुरू किया गया था? तो उस टाइम जनता पार्टी की शासनकाल में शुरू किया गया था। रोलिंग प्लान कब था? तो 1966 to 69, उस टाइम जनता पार्टी का शासन था। 46 नंबर, तीव्रतर समपोषित तथा अधिक समावेशी विकास दृष्टिकोण है, तो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण था, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 47 नंबर, वर्ष 2012-13 में 2004-05 की कीमतों पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? प्रति व्यक्ति कितनी थी, यानी आय पूछ रहा है, तो उस टाइम प्रति व्यक्ति आय थी बी नंबर 16,537। 48 नंबर, एग मार्क है, तो एग मार्क खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता का मुहर लगाया जाता है, खाद्य पदार्थ के गुणवत्ता चेक किया जाता है, उसके लिए एक मार्क है। आगे देखेंगे 49 नंबर, किसान कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया था, किसान कॉल सेंटर 2004 में, जनवरी का 2004 में प्रारंभ किया गया था। 50 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक बृहत्तम स्थल कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बृहत्तम स्थल था राखीगढ़, इसका बी नंबर होगा सही आंसर, राखीगढ़। मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो को माना जाता है, सबसे बृहद स्नानागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है और इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो राखल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता हैं राखल दास बनर्जी। सी नंबर है आलमगीरपुर, यह यूपी के मेरठ में स्थित था और आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है। डी नंबर चनहुद्रो कहाँ है? ये भी सिंधु नदी पर स्थित था। 51 नंबर, दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था की शुरुआत किस शासन ने की थी? तो एकता व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का नींव डाला था और इन्होंने ही सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी, रजिया सुल्तान। अल्लाउद्दीन खिलजी की बात करें तो यह
इनके द्वारा किया गया काम था, जैसे कि मूल नियंत्रण प्रणाली, इनके द्वारा लागू किया गया था मूल नियंत्रण प्रणाली, और इन्होंने ही सेना को नगद वेतन देना शुरू किया एवं सेना को अस्थायी रूप से इन्होंने ही रखा था बलवन। तो लौह एवं रक्त की नीति बलवन ने अपनाया था। 52 नंबर, निम्न में से किस एक्ट में प्रथम बार कंपनी को 1,00,000 रुपये वार्षिक खर्च करने को कहा गया? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, 1813 एक्ट में कंपनी को 1,00,000 रुपये खर्च करने को कहा गया था। 1784 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या था, 1784 का चार्टर एक्ट में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें कंपनी को व्यापारिक अधिकार से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था एवं बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। यह कब हुआ था? 1833 के चार्टर एक्ट में। 53 नंबर, निम्न में से किस चित्रकार को जो आइकोनो ग्रांडरी का जानकार था उसे जहांगीर ने ईरान भेजा था शाह तहमास का चित्र बनाने के लिए? तो जहांगीर ने भेजा था बिशन दास, ए नंबर बिशन दास को ईरान भेजा था। 54 नंबर, निम्न में से किस चित्रकार को अकबर ने टक्साल विभाग का अध्यक्ष बनाया था? तो बी नंबर दसवंत को टक्साल विभाग का अध्यक्ष बनाया था अकबर ने। आगे देखेंगे 55 नंबर, इधर पुस्तक का नाम है इधर लेखक है, कौन सुमेलित है? तो वन का डी नंबर हो जाएगा बदौनी, दूसरा है आईने अकबरी, तो आईने अकबरी का क्या होगा अबुल फजल, तुजुक ए जहांगीरी तो यह जहांगीर का है, और हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, और इन्होंने गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा अकबर के कहने पर लिखी थी। आगे देखेंगे 56 नंबर, शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो शासक बनने से पूर्व अशोक तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में है, तो तक्षशिला का गवर्नर था। सी ऑप्शन है अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, अवंती की राजधानी कहाँ थी उज्जैन थी। आगे देखेंगे 57 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में किस मंदिर पर इस्लामिक स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है? तो ये होगा हजारा राम मंदिर पे स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखेंगे 58 नंबर, गुप्त काल के किस अभिलेख से सती प्रथा का ठोस साक्ष्य मिलता है? तो यह एरन अभिलेख से सती प्रथा का ठोस साक्ष्य मिलता है। आगे देखेंगे सुमेलित करना है 59 नंबर, हाँ वंश है और इधर संस्थापक है। 1 ऑप्शन है मौखरी वंश, तो मौखरी वंश के संस्थापक है हरिवर्मा, इसका क्या है हरिवर्मा। हुन वंश के संस्थापक है तोरमान। बर्धन वंश के संस्थापक पुष्पभूति या नरवर्धन। मैत्रक का ध्रुवसेन। इस तरह से इसका ऑप्शन सही ऑप्शन बी नंबर होगा। 60 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने हिंदू पद पादशाही व्यवस्था दिया? तो होगा बाजीराव प्रथम। आगे देखेंगे 61 नंबर, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो भारत में विकेंद्रीकरण का समय किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो।
लॉर्ड मेयो का समय है 1872 से 76। इन्होंने 1872 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी तथा 1872 ईस्वी में ही कृषि विभाग की स्थापना भी मेयो ने किया था। ए ऑप्शन है डफरिन, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का समय है 1884 से 88। लॉर्ड डफरिन के समय में ही 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके समय किया महत्वपूर्ण काम किया गया था। सी नंबर है रिपन। रिपन का कार्यकाल है 1880 से 84। इसी के समय में 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना का शुरुआत किया गया था। सबसे पहले जनगणना किया गया था मेयो के समय में 1872 में, जबकि नियमित जनगणना रिपन के समय से 1881 से नियमित जनगणना शुरू की गई है। आगे देखेंगे 62 नंबर। इसमें सुमेलित करना है पंजाब लैंड एनिलिएशन एक्ट, यह 1900 ईस्वी में हुआ था। एक का ए दक्कन खेतिहार सहायता अधिनियम 1879, मद्रास टेनेंसी बिल 1898, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। इस तरह से इसका ए नंबर सही आंसर होगा। आगे देखेंगे 63 नंबर। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ए होगा इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि अन्य पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। आगे देखेंगे 64 नंबर। निम्नांकित में से किस अर्थशास्त्री ने धन के निकासी के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि ब्रिटिशों द्वारा जो भी धन भारत से ले जाया जा रहा है उससे निरंतर गरीबी की स्थिति जटिल हो रही है? तो यह कहा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना विलियम ब्लेजली ने किया था। और यह फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? यह कोलकाता में किया गया था। आगे देखेंगे 66 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारतीय बाजार को ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बंद कर दिया गया, बिल्कुल गलत है। इसका सही बी सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर, मात्र बी सही है, ए गलत है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था एवं कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार छीन लिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 67 नंबर। कथन ए है, कथन बी है, इसका सही चुनना है। कांग्रेस से पूर्व के अधिकतर राष्ट्रवादी संस्थाएं प्रतिनिधि संस्थाएं नहीं थी, बिल्कुल सही है। कोई भी संस्था प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, उनका नेतृत्व तथा उनका सदस्यता कुछ लोगों तक सीमित थी तथा वे मुख्यतः स्थानीय समस्याओं से संबंधित थे, ये भी सही है। इसका सी होगा, ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। आगे देखेंगे 68 नंबर। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का प्रारंभिक कारण था? तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का कारण था लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। आगे देखेंगे 69 नंबर। इसमें सुमेलित करना है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया,
तो यह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। देश बंधु चितरंजन दास को कहा जाता है। राजा जी तो राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता है। दीन बंधु सी एफ एंड्रूज। आगे देखेंगे 20 नंबर तृतीय आग्ल मैसूर युद्ध, जो कि यहाँ पास ईयर होगा 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, किस संधि से समाप्त हुई, ए हमें पूछ रहा है। तो यह है श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह समाप्त हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था, तो यह हुआ था 1792 ईस्वी में और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से समाप्त हुआ था। उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्नवालिस। ए ऑप्शन है मंगलौर संधि, तो मंगलौर संधि हुआ था 1769 और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ था। सी ऑप्शन है मद्रास की संधि, तो मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि से और यह हुआ था 1769 में। आगे देखेंगे 21 नंबर सिराजुद्दौला को उसके कुछ सहयोगियों ने धोखा दिया था। निम्नांकित सूचियों को सहायता से इन अधिकारियों की वास्तविक स्थिति का नाम मिला है। इधर सिराजुद्दौला के कुछ सहयोगी हैं और इससे मिलान करना है। तो फर्स्ट है मीर जाफर, तो यह सिराजुद्दौला के सेनापति थे। बी ऑप्शन है मानिक चंद्र, तो यह कलकत्ता का प्रधान अधिकारी थे। सी ऑप्शन है अमीर चंद्र, यह अमीर व्यापारी था। और डी ऑप्शन है जगत सेठ, यह कोलकाता का सबसे बड़ा बैकर था। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखेंगे 22 नंबर साधव लोगों का विदेशों से व्यापारिक संबंध था। बिल्कुल सही है, विदेशों से संबंध था। आर है लोथल में फारस की तथा कालीबंगा और मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया की मोहरे प्राप्त हुई है। तो दोनों सही है, इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। आगे देखेंगे 23 नंबर काशी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। काशी में 1791 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1791 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। 24 नंबर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। आगे देखेंगे 25 नंबर द लीगा समाचार पत्र के संपादक थे, तो इस समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय के अन्य समाचार पत्र भी हैं, जैसे कि लीडर, हिंदुस्तान, ये इनकी समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर ऑल इंडिया कांग्रेस की बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, तो यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। महात्मा गांधी की भी कुछ समाचार पत्र है, जैसे कि यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब महात्मा गांधी की समाचार पत्र है। आगे देखेंगे 27 नंबर खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफार खान ने की थी। आगे देखेंगे 28 नंबर मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है, तो मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है, या बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। मगध जो कि गया पटना का क्षेत्र है, मगध की राजधानी प्राचीन काल में राजगृह थी, राजगृह अंग का चंपा या भागलपुर का क्षेत्र है। आगे देखेंगे 29 नंबर
कौन सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसे चिन्ह करना है। तो देव मंदिर औरंगाबाद, तो देव स्थान पे सूर्य मंदिर है जो कि औरंगाबाद में है। कमल सरोवर बोधगया, ये भी सही है, सी ऑप्शन गलत है। आगे देखेंगे 80 नंबर, बल्थर मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बल्थर मृदा, इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है, ये गलत है, बल्थर की मृदा शक्ति अधिक नहीं होती है। दूसरा नंबर है अम्लीय प्रकृति की मृदा है, बिल्कुल सही है, बल्थर अम्लीय प्रकृति की मृदा है। तीसरा है ये गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर मिलती है, तो दूसरा और तीसरा सही होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी नंबर 2 और 3। आगे देखेंगे 81 नंबर, बिहार की किस नदी को अशुभ का प्रतीक माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी को अशुभ का प्रतीक माना जाता है। कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश को अलग करती है, बिहार और यूपी की सीमा पर स्थित है कर्मनाशा मंदिर, कर्मनाशा नदी, इसे अशुभ माना जाता है। फल्गु नदी के किनारे गया स्थित है, यह पिंडदान के लिए काफी फेमस है फल्गु नदी। 82 नंबर देखेंगे, नकटी झील अथवा नकटी पक्षी बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो यह बिहार के जमुई में है, नकटी झील और नकटी पक्षी बिहार बिहार के जमुई जिले में है। 83 नंबर, सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया? तो सोन बैराज परियोजना का निर्माण किया गया है डेहरी एनिकट के पास, डेहरी के समीप में किया गया सोन नदी का। आगे देखेंगे 84 नंबर, बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन 1958 में किया गया है, बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन 1958 में किया गया है। आगे देखेंगे 85 नंबर, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी चंपारण, और सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो यह है पटना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। 86 नंबर, सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो यह सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है, जो कि झील के बीचों बीच मकबरा इनका बनाया गया है, और यह अफगान शैली का नमूना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आगे देखेंगे 91 नंबर, धार्मिक स्थान है, इसे सुमेलित करना है। तो विष्णुपद मंदिर गया में है, हरि मंदिर साहिब यानी कि पटना का गुरुद्वारा यह पटना में है, विश्व शांति स्तूप राजगीर में बनाया गया पहाड़ के ऊपर में, नेपाली मंदिर हाजीपुर में है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा सी नंबर। आगे देखेंगे 92 नंबर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के अनुसार जिलों के सही क्रम को बताएं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इनमें से किनका है बढ़ते क्रम में? तो सर्वाधिक है शिवहर, उसके बाद पटना, दरभंगा और वैशाली, सी ऑप्शन होगा शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली। आगे देखेंगे 93 नंबर, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि हो जाए तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। समान माना जाता है 40 से 45 डेसिबल की ध्वनि को समान माना जाता है। 94 नंबर देखेंगे, घासों और समान उद्यान पौधों की पत्तियों के सिरों पर भोर के समय पानी की बूंदें दिखती है, यह जल संचयन किससे प्राप्त होती है? सुबह सुबह के टाइम में पत्तियों पर छोटी छोटी बूंदें दिखती है पानी की,
यह संबंधित है जलरंध्र, डी नंबर जलरंध्र से संबंधित है। 95 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सामान्यतः सड़क के साथ साथ उगाया जाता है? तो यह उगाया जाता है बोगेनविलिया, बोगेनविलिया नाम का पौधा सड़क के साथ साथ उगाया जाता है, जो कि प्रदूषकों के लिए, वाहनों से उत्पन्न प्रदूषकों को रोकने में सहायक होता है। 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नूडल्स बनाने के समय प्रायः सुचारू कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है? तय होता है अजीनोमोटो। आगे देखेंगे 97 नंबर, एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किन में होंगे? पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में। तो यह हो गए पुत्रियों के पुत्रों में, क्योंकि वर्णांधता नामक बीमारी का वाहक मुख्य रूप से स्त्रियां होती है, और लेकिन यह महिलाओं में नहीं होता है, यह महिलाओं द्वारा पुरुषों में होता है, इसलिए उनके पुत्रियों के पुत्रों में होगा, यह कभी भी महिलाओं में नहीं होता है। आगे देखेंगे 98 नंबर, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो जीवों का विकास किस क्रम में हुआ है इसे बताना है, तो सी आंसर होगा इसका सालमेंडर से अजगर हुआ, अजगर से कंगारू, इसका जीवों का सही क्रम है। 99 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम समान कौन सा है? तो यह निकटतम है लंगूर, जो मानव जाति से सिमिलर है, यह है लंगूर, सॉरी लंगूर नहीं, इसका होगा सही आंसर गोरैया, बी नंबर होगा गोरैया, जो आधुनिक मानव से निकटतम है वो होगा गोरैया। 100 क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है, भालू और पांडा दोनों एक ही कुल का है। तो इस तरह से आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मुझे विश्वास है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।